राजस्थान में चर्चित दौसा घुसकांड की आरोपी पिंकी मीणा शादी के पवित्र बंधन में बंधे जा रही है। इन दिनों पिंकी के घर में शादी की रस्में निभाई जा रही है। पिंकी के घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रिश्वतखोर पिंकी मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली है और जमानत की ये मियाद 21 फरवरी को पूरी हो जाएगी, यानी 16 फरवरी को पिंकी 7 फेरे लेंगी और 21 फरवरी को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली पिंकी मीणा की शादी कार्ड भी अब सोशल मीडिया में चर्चाओं में है। दरअसल इसके पीछे की वजह है पिंकी मीणा की शादी की कार्ड में लिखे 2 सकारात्मक संदेश। कार्ड में पहला संदेश दिया गया है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सभी कोविड-19 का पालन करें और मास्क लगाकर आएं। इसी कार्ड में दूसरा संदेश दिया गया है कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। आपको बता दें कि RAS पिंकी मीणा की शादी दौसा के बसवा निवासी नरेंद्र के साथ होने जा रही है, जो कि खुद जज हैं, और वैलेंटाइन डे के दिन पिंकी मीणा का लगन टीका कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। और अब पिंकी 7 फेरे लेंगी, लेकिन शादी के बाद पिंकी मीणा की अपने ससुराल के लिए विदाई होगी, लेकिन 21 फरवरी को एक बार फिर पिंकी मीणा को अपने परिजनों से जुदाई करनी पड़ेगी और जेल में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि RAS पिंकी मीणा को 13 जनवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया था। पिंकी को 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड में हुए पिंकी मीणा को गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन बांदीकुई SDM पिंकी मीणा ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से 10 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसी आरोप में पिंकी मीणा जेल में बंद थी और वर्तमान में जमानत पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।